मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और साथ ही 24x7 विड्रॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग पिन कमेंट में दिए लिंक से इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब टीम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पंजाब टीम से जुड़ी हर एक अपडेट दे चुका हूं, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा पंजाब टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। जैसा कि पंजाब टीम का पांचवा मैच है मुंबई इंडियंस के खिलाफ और मुंबई इंडियंस का भी पांचवा मैच है पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो इस मैच में आप सभी लोगों को मैं पंजाब टीम की प्लेइंग 11 बताऊंगा कि पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या पॉसिबल चेंजेस पंजाब टीम इस मैच में कर सकती है उनकी मैनेजमेंट, और कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस में भी क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप सभी लोग को थोड़ी अपडेट्स दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले पंजाब टीम के प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूँ, पंजाब टीम के जो सातवें ओवर से खिलाड़ी थे नेथन एलिस, वो ज्वाइन कर चुके हैं। ये मैं आप सभी लोगों को पहले बता चुका हूँ, और वो इस मैच में यानी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो पंजाब टीम का पाँचवा मैच है उसमें वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। जहाँ तक उनके क्वारंटीन की बात करें तो क्वारंटीन खत्म हो जाएगा और वो इस मैच के सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे, और ये पंजाब टीम के मैनेजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि इनको सिलेक्ट करें या अनसिलेक्ट करें। जहाँ तक 50-50 चांसेस बन रहे कि ओडन स्मिथ की जगह पर इनको पंजाब की टीम खिलाएगी, जिससे पंजाब टीम को गेंदबाजी में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा और पंजाब टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर दिखेगी इस मैच में, क्योंकि गहराई नहीं दिखी, क्योंकि ओडन स्मिथ 8 और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते थे पंजाब टीम की तरफ से। तो आप सभी लोगों को बता दूँ, ऐसे में पंजाब की टीम एक और चेंजेस कर सकती है अगर नेथन लिस की वापसी होती है टीम में। अगर उनको पंजाब की टीम प्लेइंग 11 खिलाती है तो शाहरुख खान की जगह पर ऋषि धवन हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो ये दो बड़ी अपडेट्स है। हालांकि एन मोमेंट और कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है पंजाब की टीम उसी टीम के साथ जाए, ओडन स्मिथ को फिर से बैक करे, शाहरुख खान को फिर से मौका दे, पर कहीं ना कहीं अगर मैचेस जीतने हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियों की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। अब तक के चारों मैचेस की बात करें तो इन दोनों खिलाड़ियों की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है पहले मैच को छोड़ दे तो, क्योंकि आरसीबी टीम के खिलाफ शाहरुख खान ने 20 बॉल पर 24 रनों की पारी खेली थी और ओडन स्मिथ ने 8 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा ओडन स्मिथ गेंदबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और शाहरुख खान को तो गेंदबाजी दी ही नहीं जा रही है। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों की जगह पर पंजाब की टीम चेंजेस कर सकती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। हालांकि पंजाब की टीम पुराने प्लेइंग 11 के साथ भी जा सकती है जो चौथे मैच में खेली थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, क्योंकि महक अग्रवाल का जो स्टेटमेंट आया था मैच खत्म होने के बाद, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम ओडन स्मिथ को बैक करेंगे अगले मैच में। सबका एक बुरा दिन होता है, खराब दिन होता है, शायद ओडन स्मिथ का खराब दिन था। अब महक अग्रवाल के स्टेटमेंट से तो यही लगता है, पर मैं आप सभी लोग को बता दूँ, अगर पंजाब की मैनेजमेंट चाहे तो चेंजेस कर सकती है और पुराने टीम के साथ भी जा सकती है जो पिछले मैच में खेली थी। ऐसे में आप सभी लोग एक पॉसिबल प्लेइंग 11 बता दूँ इस मैच में, तो हमें टॉप ऑर्डर में शिखर धवन और जॉनी बेस्टो दिख सकते हैं। हालांकि महक अग्रवाल को फिर से मौका देगी, पर वो ओपनिंग में फ्लॉप रहे और जॉनी बेस्टो का ओपनिंग में काफ़ी अच्छा स्टेट्स है। अगर मिड ऑर्डर में देखा जाए तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं जॉनी बेस्टो का। हो सकता है पंजाब की टीम जॉनी बेस्टो से ओपनिंग कराए, तो टॉप ऑर्डर हमें शिखर धवन और जॉनी बेस्टो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और 3 नंबर पर महक अग्रवाल। हालांकि इसमें आप सभी लोग थोड़ा समझ लीजिए, रैंडमली हो सकता है महक अग्रवाल ओपनिंग कर ले और जॉनी बेस्टो 3 नंबर पर खेल लें। 4 नंबर की जो पोजीशन रहेगी वो लियन लिविंगस्टन की रहेगी, और ये जहाँ तक आईपीएल 2022 में पूरा सीजन पंजाब टीम की तरफ से 4 नंबर पर ही खेलेंगे, क्योंकि इनका 4 नंबर पर काफ़ी अच्छा स्टेट्स है। और जैसा कि आप सभी लोग तीसरे और चौथे मैच में देख ही लिए रहेंगे, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। 5 नंबर की बात करें तो वहाँ पर हमें जितेश शर्मा दिखेंगे और 6 नंबर पर हमें दिखेंगे ऋषि धवन। हो सकता है शाहरुख खान को पंजाब की टीम खिलाए, अगर शाहरुख खान खेलते हैं तो वो 6 नंबर पर खेलेंगे या ऋषि धवन। और 7 नंबर की बात करें तो जैसा ओडन स्मिथ पिछले मैच में खेले थे उनके जगह पर इस मैच में हो सकता है कलवेश्वर अवाड़ा को दिया जाए। और 8 नंबर की जो पोजीशन है वहाँ पर नेथन एलिस, 9 नंबर पर हमें राहुल चहर और 10 नंबर पर वैभव अरोड़ा, 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। तो कुछ इस तरह पंजाब टीम की प्लेइंग 11 हो सकती है। हालांकि अभी आप सभी लोग इसको कंफर्म मत समझिए, क्योंकि एंड मोमेंट कुछ भी चेंजेस कर सकती है। अगर पिच और ग्राउंड में कुछ बदलाव हुए तो उसके हिसाब से पंजाब की टीम मैच के कुछ देर पहले ही चेंजेस कर सकती है, क्योंकि पंजाब टीम के प्रैक्टिस कैंप की बात करें तो लगभग सारे खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की और खूब पसीना बहाया और खूब मेहनत किए हैं। ऐसे में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये दो पॉसिबल चेंजेस दिख रहे हैं, ओडन स्मिथ और शाहरुख खान का। वहाँ पर हमें ऋषि धवन और नेथन लिस की वापसी दिख सकती है पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में।
इसके अलावा आप सभी लोगों को बता दूँ मुंबई इंडियंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि पंजाब टीम के लिए टफ मैच हो सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस लगातार 5 मैच नहीं हारना चाहेगी, 4 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो ये 5वां मैच है। इसमें मुंबई इंडियंस पूरा अपना दमखम लगा सकती है। ऐसे में आप सभी लोगों को बता दूँ पंजाब टीम के लिए मुंबई इंडियंस अपनी टॉप ऑर्डर सेम रखेगी और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 भी मुंबई इंडियंस की सेम रहेगी। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।